अब तक हमने देखा है कि स्मार्ट एलई टीवी वर्सेज एंड्रॉइड एलई टीवी, आज हम बात करेंगे गूगल टीवी वर्सेज स्मार्ट टीवी। ठीक है, अब तक स्मार्ट टीवी सुना, फिर हमने एंड्रॉइड एलई टीवी, अब नया आ गया गूगल टीवी। तो डिफरेंस क्या है स्मार्ट टीवी वर्सेज गूगल टीवी में, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना। मैं आपका एलई टीवी गुरु, मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो अब करते हैं वीडियो को लाइव। देखो, एक आती है स्मार्ट एलई टीवी, एक आती है गूगल टीवी, दोनों का डिफरेंट बताऊंगा। तो मेरे पास जो टीवी है ये एलजी का स्मार्ट एलई टीवी है 43 इंचेज का, और एक है मेरे पास सैमसंग का गूगल एलईडी टीवी। ठीक है, दोनों के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देखें तो प्लीज चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको गूगल टीवी के बारे में। तो गूगल टीवी आपका सैमसंग का है। ठीक है, जो भी आपका गूगल टीवी आएगा तो आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट में सैमसंग लिखा हो, यहाँ पे लिखा होगा गूगल टीवी। ठीक है, गूगल टीवी इसके बॉक्स में भी लिखा हुआ आएगा गूगल टीवी। ये होता तो एंड्रॉइड की तरह है, बट इसके अंदर कुछ फंक्शंस न्यू अपडेट हुए हैं, तो उसी के बारे में जानेंगे। और स्मार्ट एलई टीवी है जो कि आपको जैसे एलजी सैमसंग ये सब कुछ जो बनाती है। ठीक है, तो इसका जो होम पेज आएगा गूगल टीवी का वो इस तरह से आएगा आपका। ठीक है, इसके जो गूगल टीवी के जो फंक्शंस हैं, जब आप यहाँ पे लिखा हो गूगल टीवी, इस पे आप ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे सेटअप गूगल टीवी, यहाँ पे तो इसके लिए सेटअप गूगल टीवी के लिए आप करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी जीमेल आईडी यहाँ पे डालनी होगी, जो भी आप जैसे कि आपने मोबाइल में प्ले स्टोर में डाल रखी है, तो यहाँ पे आप गूगल टीवी डालो, जितने भी गूगल के फंक्शन है सब यहाँ पे आपके ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब भी एंड्रॉइड वर्सेज गूगल टीवी, तो गूगल टीवी के अंदर क्या होता है, जैसे भी कोई न्यू वर्जन आएगा, जैसे अभी एंड्रॉइड 11 वर्जन चल रहा है, जब भी 12 वर्जन आएगा तो आपका एलई टीवी ये अपडेट हो जाएगा गूगल टीवी। ठीक है, आपको टीवी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड्रॉइड में वो नहीं होता। अगर आपको 11 वर्जन है तो 11 ही रहेगा, अपडेट करोगे तब भी 11 ही रहेगा, 12 वर्जन के लिए आपको न्यू एलई टीवी खरीदनी पड़ेगी। राइट, तो यहाँ पे सेटअप कर सकते हो सारी चीजें, आप फंक्शन सारे वही होंगे आपके नॉर्मली, जो भी आपके सारे फंक्शंस आते हैं ये गूगल टीवी में, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, ये सारे फंक्शंस होंगे जो भी गूगल से रिलेटेड है, उसके लिए आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा जीमेल आईडी डाल के, तो सारे फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर स्मार्ट टीवी की बात करोगे तो स्मार्ट टीवी में जिसका होम पेज यहाँ पे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, G5, सोनी लिव, प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा, यूट्यूब एप्स, स्मार्ट टीवी में यही बेनिफिट है कि आप जब भी अपडेट करोगे न्यू वर्जन इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, सेम गूगल टीवी के अंदर जब भी आप उसको अपडेट करोगे तो आपका न्यू वर्जन आ जाएगा। अगर एंड्रॉइड होगा तो उसके अंदर आपका जो भी जैसे 11 चल रहा है 12 आप लाने चाहोगे तो नहीं आएगा, उसके लिए आपको टीवी चेंज करना पड़ेगा, वो भी जो बटे बस। ठीक है, बाकी फंक्शन वाइज सारा सेम रहेगा, वो सारी ओटीटी आएगी, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, गूगल, जीमेल, वो सारे कुछ आ जाएगा। ठीक है, और जो गूगल टीवी से है उसके अंदर जितने गूगल के फंक्शन रिलेटेड है वो सब आपको यहाँ पे शो आ जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो अभी जो गूगल टीवी है वो आपका जो जैसे सैमसंग के अंदर आ रहा है, जो सबसे कम प्राइस के अंदर आ रहा है, 22,000 में 43 इंच का एलईडी टीवी मिल रहा है गूगल टीवी के साथ में, विद वॉइस कंट्रोल रिमोट और 2 साल की वारंटी के साथ में सैमसंग का आ रहा है। ठीक है, स्मार्ट टीवी तो जैसा था पहले वैसे सेम ही आ रहा है, उसमें एलजी सैमसंग सारी कंपनियां आपको बना के दे रही है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन पहले मैं आपको सैमसंग का दिखा देता हूँ, तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब। ठीक है, अब इसमें सेटिंग में जाओगे तो इसका होम पेज चेंज हो चुका है, सेटिंग इस तरह से आएगी। ठीक है, एंड्रॉइड वाले कहता था यहाँ पे सेटअप गूगल टीवी, तो यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा आपको, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क, आपका वाईफाई यहाँ पे आएगा, जो भी वाईफाई राउटर यहाँ पे आ जाएगा, अकाउंट साइनिंग, प्राइस, सिस्टम, रिमोट एसेसरीज, जो भी आपका ब्लूटूथ है पेयर हो जाएगा इस टीवी की, साउंड अपने हेडफोन में भी ले सकते हो। तो ये आपका नॉर्मली जो है गूगल टीवी का इस तरह से होगा। अगर स्मार्ट होगा तो स्मार्ट टीवी में सारी ओटीटी एक वन पेज पे आ जाएंगी, जैसे एलजी का ये वाला है, तो ब्लूटूथ इसके अंदर भी होगा, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, जो अमेजन, सारा कुछ आप इसके अंदर इजीली चला सकते हो, अलेक्सा इसके अंदर बिल्ट इन है। ठीक है, और इसके अंदर गूगल असिस्टेंट वाला हेलो गूगल जो है, गूगल टीवी के अंदर हेलो गूगल ओपन टू यूट्यूब, और इसके अंदर हेलो अलेक्सा ओपन टू यूट्यूब, इस तरह से दोनों की कमांड, इसमें अलेक्सा है और इसके अंदर गूगल आपका गूगल के साथ में कनेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है, अब इसके अंदर गूगल टीवी है, जो स्मार्ट टीवी है उसके अंदर रैम नहीं होती, सिर्फ स्टोरेज होती है स्मार्ट टीवी, ध्यान रखना, स्मार्ट टीवी के अंदर रैम नहीं होती, सिर्फ स्टोरेज होती है, प्रोसेसर होता है क्वाड कर। अगर गूगल टीवी है तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1.5 GB रैम, 8 GB रोम, 1.5 GB इसके अंदर रैम है,
और 8 GB इसके अंदर स्टोरेज दिया हुआ है। ठीक है, 2 HDMI, 2 USB एंड डोल्वी ऑडियो साउंड, डोल्वी ऑडियो साउंड भी दिया हुआ है। डोल्वी साउंड के लिए जितने भी एलईडी टीवी है डोल्वी ऑडियो साउंड दिया हुआ है, तो उनके लिए इफेक्ट के लिए आपको साउंड वायर होम थिएटर लगाना पड़ेगा। टीवी से आप सेट टीवी के अंदर डॉल्वी साउंड की स्पीकर्स में नहीं आए, क्योंकि वो 20 वॉट की स्पीकर्स होते हैं, तो उसके अंदर डॉल्वी इफेक्ट नहीं आएगा। जो हर टीवी के अंदर लिखा आता है डॉल्वी कंफर्टेबल या डॉल्वी आउट, तो उसके लिए आपको साउंड वायर होम थिएटर लगाना पड़ेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर शुरू से आपको कोई पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।